सो हेलो एवरीवन, आज सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो आपको 0.25 के बी का ये मैनुअल ऑटो कट स्टेबलाइजर दिखाई पड़ रहा है, इसमें दिक्कत यह है कि इसमें सप्लाई देने पर इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि इसमें क्या दिक्कत हो सकता है कि इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। तो चलिए इसके बॉडी को ओपन करते हैं और चेक करके देखते हैं कि इसमें आखिर क्या दिक्कत है कि सप्लाई नहीं आ रही है। तो चलिए इसके बॉडी को पहले ओपन करने से पहले इसके बैक साइड का जो ये फ्यूज़ लगा होता है, ये वाला फ्यूज़, इसको हम चेक करके देखते हैं कि कहीं ये फ्यूज़ तो इसका नहीं कटा हुआ, क्योंकि फ्यूज़ कट जाने की वजह से भी ये इसमें पावर सप्लाई यहाँ पर सप्लाई नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले क्या करते हैं, फ्यूज़ को ओपन करते हैं और इसको चेक करके देखते हैं मल्टीमीटर के सहायता से। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पर मैंने इसके फ्यूज़ को निकाल लिया और चलिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीमीटर से चेक करके बताते हैं कि इसका फ्यूज़ तो कटा हुआ नहीं। ऐसे देखने पर तो लग रहा है कि ये फ्यूज़ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर यहाँ पर ले जाते हैं और इसको चेक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका साउंड दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा, तो चलिए देखिए यहाँ पर। सो गाइस, देखिए यहाँ पर आपको साउंड सुनाई पड़ रहा है कि ये कंटिन्यूटी क्लियर रूप से बता रहा है, मतलब ये हमारा फ्यूज़ है वो ठीक ठाक लग रहा है, ठीक ठाक है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं इसके अंदर और चलिए इसके बॉडी को पहले ओपन करते हैं और ओपन करके देखते हैं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण इसमें सप्लाई नहीं आ रही। ठीक है, तो चलिए इसको बॉडी को पहले ओपन करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पर मैंने इसके बड़े को ओपन कर लिया और चलिए हम क्या करते हैं, इसको टेस्टर के साथ साथ देखते हैं कि कहीं इसका तो वायर तो कहीं से टूटा हुआ नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का ये जो 8 लूप रोटरी स्विच में जो जुड़ा हुआ है उसको देखते हैं कि यहाँ पर ये टूटा हुआ तो नहीं है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये हमारा लगभग लगभग ठीक ठाक लग रहा है, यहाँ पर ये वायर से नहीं टूटा हुआ और देखिए यहाँ पर ये सप्लाई आया है। ये हमारा ऑटो कट किट होता है, इसी से हमारा पूरा जो सिस्टम है वो कंट्रोल में होता है। जब हमारा ऑटो कट होता है तो ये जब वोल्टेज ओवर होता है तो ये सर्किट जो है वो ऑटो कट करता है। ठीक है, तो यहाँ का जो वायर है ये बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इधर ये देखिए, ये इधर से जो बाहर से वायर है ये हमारा न्यूट्रल का और ये हमारा ये फेज का। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ये वायर तो ठीक ठाक लग रहा है और देखते हैं। वो हो, तो यहाँ पर था दिक्कत। सो गाइस, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा कि ये हमारा जो स्विच है वो पूरी तरह से जल चुका है और यहाँ पर देखिए ये वायर जो है वो भी जल करके डिसकनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये हमारा जो है स्टेबलाइजर जो है वो वर्क नहीं कर रहा था। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है क्लियर रूप से कि देखिए ये हमारा स्विच है वो पूरी तरह से जल चुका है। यहाँ पर देखिए ये पूरा जल चुका करके पीला हो गया और इसका ये जो वायर है ये भी पूरी तरह से जल चुका है। तो सो गाइस, फाइनली हमको ये इसका जो प्रॉब्लम था वो हमको पता चल गया, जो इसका प्रॉब्लम था ये स्विच जल गया था और ये स्विच हमारा वर्क नहीं कर रहा था और यहाँ पर सप्लाई आ रही थी, स्विच की वजह से जलने के कारण यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही थी, जिसके कारण हमारा ये स्टेबलाइजर वर्क नहीं कर रहा था। तो चलिए गाइस, हमको प्रॉब्लम पता चल गया, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके स्विच को हम चेंज कर देते हैं और चेंज करके देखते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो गाइस, मैंने फाइनली यहाँ पर इसके स्थान पर नया स्विच यहाँ पर ग्रेट वाइट का लगा दिया है और चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें सप्लाई दे करके देखते हैं कि आखिर ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सो गाइस, फाइनली ये हमारा जो स्टेबलाइजर है वो वर्क कर रहा है और देखिए यहाँ पर ये हमारा जो ये वोल्ट मीटर है और यहाँ पर अभी बता रहा है अभी 140 वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज बहुत कम रहता है। सो गाइस, यहाँ पर ये आपको दिखाई पड़ रहा है, हमारा स्टेबलाइजर वर्क करने के लिए रेडी हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके बॉडी को इसमें घस देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, यदि आप इस स्टेबलाइजर का संपूर्ण कनेक्शन के बारे में एक नया वीडियो चाहते हैं, कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है फुल डिटेल में, तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर एक नया वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।